मधुमक्खियां हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो भी फल सब्जियां या अनाज खाते हैं उन्हें उगाने के लिए केवल धूप मिट्टी और पानी ही नहीं बल्कि मधुमक्खियों का भी विशेष योगदान होता है। ऐसे में मधुमक्खियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ये दिवस 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले एंटोन जंसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसे में अगर हम मधुमक्खियों की किस्मों के बारे में बात करें तो भारत में मुख्य रूप से मधुमक्खियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें छोटी मधुमक्खी, भैरव या पहाड़ी मधुमक्खी, देसी मधुमक्खी और इटालियन मधुमक्खी शामिल है। अब बात करते हैं मधुमक्खी पालन की। सबसे पहले जब लोगों को शहद का स्वाद अच्छा लगा तो वह जंगलों में मधुमक्खियों के छत्तों को तोड़कर शहद इकट्ठा करने लगे, और जब शहद की मांग बढ़ने लगी तो सिर्फ जंगलों से ही शहद की आपूर्ति करना संभव नहीं हो पाता था, तो इंसानों ने मधुमक्खी पालने की तरकीब खोज निकाली। आसान भाषा में कहा जाए तो ये कुछ ऐसा है जैसे दूध के लिए डेयरी में गाय को पाला जाता है। अब ऐसे में शहद का उत्पादन और व्यापार करने वाले लोग मधुमक्खियों को छत्ते बनाने के लिए बनावटी वातावरण उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें वे अपना छत्ता बनाती हैं और शहद का निर्माण करती हैं। मधुमक्खी पालन की पुरानी परंपरा यानी कि जंगलों से शहद इकट्ठा करना आज के दौर में लुप्त हो चुका है। वर्तमान समय में प्रदेश के कुछ ही स्थानों पर पुरानी परंपरा से मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मधुमक्खी पालन कृषि आधारित व्यवसाय है। शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन एक लाभदायक और आकर्षक व्यवसाय है, लेकिन पिछले कई सालों से लोगों का रुझान इस व्यवसाय की तरफ कम हो गया है। यहाँ खास बात यह है कि सरकार द्वारा स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों की मदद से इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने और किसानों को इस व्यवसाय के प्रति आकर्षित करने के लिए मधुमक्खी पालन के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके लिए मधुमक्खी पालन के ट्रांसपोर्ट बॉक्स लाए गए, जिससे कि मधुमक्खी पालन की विलुप्त तकनीक के बारे में बताया जाता है, जहां 100 से अधिक डिब्बों में 3 प्रकार की मधुमक्खियां रखी जाती हैं, जिनमें रानी मक्खी, नर मक्खी और श्रमिक मधुमक्खी शामिल है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इसमें श्रमिक मक्खी की संख्या 2 लाख से अधिक होती है, जबकि अन्य मक्खियों की संख्या काफी कम होती है। अगर हम बात करें कि मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती है तो ये एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। दरअसल इसके लिए बहुत सारी मधुमक्खियों की जरूरत होती है, क्योंकि कोई एक मक्खी टीम के अन्य सदस्यों के बिना शहद का निर्माण नहीं कर सकती। मधुमक्खियां फूलों का रस चूसकर इसे अपने पेट में रखती हैं और उड़कर वापस छत्ते पर आती हैं। छत्ते पर आने के बाद वे इस रस को चबाने वाली मधुमक्खियों को देती हैं, और चबाने वाली मधुमक्खियां रस इकट्ठा करती हैं और इसे लगभग 30 मिनट तक चबाती हैं, और चबाने के दौरान उनके एंजाइम रस एक ऐसे पदार्थ में बदलते हैं जिसमें पानी के साथ शहद शामिल होता है। चबाने के बाद मधुमक्खियां उस पदार्थ को मधुकोश में डाल देती हैं ताकि पानी वाष्प बनकर उड़ जाए। पानी के अवशोषित हो जाने से ये लिक्विड गाढ़ा हो जाता है। इस गाढ़े लिक्विड को दूसरी मधुमक्खी चूसती है और इसमें से पानी को अवशोषित कर लेती है। फिर वह भी उस पदार्थ को मधुकोश में डाल देती है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि इस लिक्विड में पानी की मात्रा 80% से घटकर 20% न रह जाए। इसके बाद जो बचता है वह होता है मीठा शहद, क्योंकि इसका स्वाद उसके चारों ओर उपस्थित फूलों पर निर्भर करता है। मधुमक्खियां जिस तरह के फूलों का रस ग्रहण करेंगी उसी तरह शहद का स्वाद होगा। आइए अब जानते हैं शहद के फायदों के बारे में। शहद एक ऐसा स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है जिसे हम कई प्रकार से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जैसे कई लोग इसे दूध के साथ मिलाकर पीते हैं, तो कई लोग किसी व्यंजन को बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। शहद वजन घटाने में, तनाव कम करने में, मधुमेह की समस्या में, उच्च रक्तचाप में, एनर्जी को बूस्ट करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, हृदय रोगों से लड़ने में और दमा के इलाज में बेहद फायदेमंद साबित होता है। ऐसी ही अन्य दिलचस्प जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।